हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। स्वागत करती हूं खबर गरम है में। नारायणगढ़ में भाखीयू और किसान संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुगर मिल द्वारा गन्ने की फसल की राशि का भुगतान न किया जाने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान प्रदर्शन करते हुए गांव बड़ागज के पास बह रही बेगना नदी पर पहुंचे और नदी में बैठकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। ना ही ये कुंभ का स्नान है, ना ही ये लोग कार्तिक पूर्णिमा पर नहाने आए हैं और ना ही इनका गंगा में डुबकी लगाकर तर होने का कोई इरादा है। बेगना नदी पर अपनी फसल गन्ने का बकाया पेमेंट मांगने पहुंचे इन किसानों का एक नया और अनूठा तरीका है। तरीका धरना देने का, तरीका सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का। दरअसल भारतीय किसान यूनियन और किसान संघर्ष समिति ने नारायणगढ़ शुगर मिल द्वारा गन्ने की फसल की राशि भुगतान न किए जाने के मद्देनजर किसानों की महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को संबोधित किया और मिल प्रशासन को बातचीत के लिए आने का समय दिया। लेकिन मिल प्रशासन और अन्य अधिकारियों द्वारा कोई ठोस आश्वासन न दिए जाने से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। शुरू कर दिया है और दुख की बात है कि हमें अपने पैसे लेने के लिए, हमें अपनी गन्ने की पेमेंट लेने के लिए जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है और ये सरकार इसके कान पे अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। पिछले सीजन का पैसा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा भी रुका हुआ है और हमने 10 बार पंचायत कर ली है, सभी अधिकारियों से मिल लिए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है और आखिरकार हमें जल सत्याग्रह करने का। जल सत्याग्रह जो है कब तक चलेगा ये? और ये जल सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं जाती, जब तक हमारी गन्ने की पेमेंट हो नहीं जाती, जब तक इसका बिजली प्लांट चल नहीं जाता। ये सारी बातें जब तक नहीं हो जाती तब तक हम सही सत्याग्रह में। प्रदर्शन करते हुए किसान गांव बड़ागढ़ के समीप बह रही बेगना नदी पर पहुंचे और पानी में बैठकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसानों ने बताया कि 2 जनवरी से लेकर आज तक प्रशासन द्वारा केवल बैठकें ही की जा रही हैं। उन बैठकों का कोई नतीजा निकलता ही नहीं क्योंकि किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट अब तक नहीं मिली है। लगभग 100 करोड़ रुपए तो पिछले गन्ने की बकाया पेमेंट है और आने वाले सीजन का लगभग 300 करोड़ रुपए का गन्ना एरिया में खड़ा है। किसानों को इसकी भी चिंता हो रही है। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे इन किसानों का आरोप है कि सरकार इनकी सुध नहीं ले रही। नारायणगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए सरिता धीमान की रिपोर्ट।